का स्वागत है, आपकी मुलाकात करवाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रामपाल माजरा जी। रामपाल माजरा इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष आज घोषित किए गए, लेकिन इनेलो से इनका नाता बहुत पुराना है। युवा इनेलो के कहा जाए, युवा लोकदल के कहा जाए, तो ये प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं और ऐसे दौर में इन्होंने राजनीति की शुरुआत की जब चौधरी देवीलाल का राज हुआ करता था। चौधरी देवीलाल के सानिध्य में राजनीति की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सानिध्य में इन्होंने राजनीति की और आज ये अभय सिंह चौटाला के साथ इनेलो के संगठन की प्रमुख जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, बातचीत करेंगे। माजरा जी स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद तरणी जी। माजरा जी, जिस प्रकार से अगर आपका, क्योंकि 30-35 साल से तो आपको मैं ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ, युवा से शुरू हुए थे और ऐसा दौर था वो युवा का जब आपने युवा लोकदल, युवा इनेलो को पूरी तरह से हरियाणा में संगठित और खड़ा कर दिया था। तरणी जी, आप मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, संगठन का मेरा बहुत पुराना अनुभव है। मैं गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर से राज्य स्तर के पदों पर रहा हूं और इंडियन नेशनल लोकदल की इस पुरानी टीम, नई टीम सबको जानता हूं। मैं कोशिश करूंगा सभी साथियों को इकट्ठे करने की, लोकदल पार्टी को मजबूत करने की और लोकदल पार्टी द्वारा इन चुनावों में एक नए आयाम स्थापित करने की। जिस प्रकार के माहौल हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता विरोधी लहर है, उसका कारण है कि इनका कोई कामकाज से खुश नहीं। आज किसान दुखी है इस बात से कि MSP नहीं मिला, किसान दुखी है इस बात से स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी, आमदनी दुगनी नहीं हो सकी, ट्यूबलों के कनेक्शन नहीं मिल सके, GST लगाया गया। आज राज्य सरकार ने इस प्रदेश के ऊपर 3,17,00,000 का कर्जा ऊपर थोप दिया और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो आज किताबें नहीं, अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं, आज जल घर हैं तो जल नहीं, आज सड़कें हैं तो टूटी पड़ी हैं, बिजली घर हैं तो बिजली नहीं, आज अव्यवस्था है। ये तो कहते थे हमने व्यवस्था बदल दी, बदलिया क्या? ना तो हरियाणा प्रदेश को आशवाल का पानी आया, ना हरियाणा प्रदेश में आप देखते होंगे हांसी बुटाना नहर में पानी आया, दादूपुर नलवी नहर बंद कर दी, राजस्थान को इन्होंने जमुना का पानी देने का MOU साइन कर दिया और प्रदेश के साथ भी इन्होंने धोखा ही किया। इस माहौल में मेरे सामने केवल मात्र एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार से लोकदल पार्टी को मजबूत किया जाए। संगठन सबसे पहली प्राथमिकता आपकी रहेगी और आपको ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ संगठन में काम करने का पुराना अनुभव भी है, अभय सिंह जी का भी पूरा सहयोग आपको रहेगा। संगठन कब तक आप प्रदेश में बना देंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आगे विधानसभा के हैं? संगठन का जहाँ तक सवाल है, मैं जो पुराना संगठन है जब काम कर रहा है, मैं चाहूँगा कि इसी से काम चला जाए। इसमें कोई ज़रूरत हो तो थोड़ी बहुत और साथियों को साथ मिला लिया जाए और इन्हीं से ज़्यादा काम लिया जाए, क्योंकि संगठन को बार बार बदलना भी ठीक नहीं होता। जो संगठन में लोग पदाधिकारी बने हैं उनके साथ को छोटा मोटा चेंज करके अदरवाइज तो उसी से काम लिया जाए, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाई जाए, उसमें अच्छे लोगों को और जोड़ा जाए और गांव स्तर तक संगठन को पहुंचाया जाए, सारी बातें बूथ स्तर तक ले जाने का काम करें। लोकसभा विधानसभा चुनाव, सेनापति सरकार के भी बदले गए, मुख्यमंत्री का चेहरा अब मनोहर लाल जी की जगह नायब सैनी है, कैसे देखते हैं सारे घटनाक्रम को? ये सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए किया गया। चेहरे बदलने से कभी सत्ता विरोधी लहर कम नहीं होगी, काम काज करने से, कार्य करने से ही कुछ लोगों के दिल में बात बनती है, परंतु ये लोग तो जन विरोधी हैं, इन्होंने जनता के खिलाफ काम किए हुए हैं, जिसकी वजह से अनेकों धरने हुए। हरियाणा प्रदेश में हर ज़िले में धरना कोई ना कोई चल रहा है, चाहे वो पुरानी पेंशन का सवाल है, इन्होंने वादा किया परंतु नहीं निभाई, इन्होंने इसी प्रकार से कहा है कि 5100 हम बुढ़ापा पेंशन कर देंगे, एक कोऑर्डिनेट कमेटी बनाएंगे जो दोनों पार्टियों को मिला करके वो सारे बातों को लागू करेगी, एक भी मीटिंग नहीं हुई उनकी। और ये लोग गांव स्तर की, शहर स्तर की समस्याओं से अनभिज्ञ हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं।
आम जनता से, ये तो दिल्ली में चंडीगढ़ में चक्कर काट के ये कह देते हैं कि हमारी सरकार बहुत बढ़िया है। नए मंत्रिमंडल का जिस प्रकार से गठन किया गया, कई नए चेहरों को मौका दिया गया, अब तो बहुत लंबा समय नहीं बचा, विधानसभा के चुनावों में भी 1.5-2 महीने ही आचार संहिता के बिना रहेंगे अगर चुनाव समय पर होते, अगर पहले हो गए तो वो भी समय नहीं मिलेगा। उनकी भी कार्यक्षमता पर प्रश्न उठेंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, अभी तो 2.5 महीने की आचार संहिता है, वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे और उसके बाद फिर 3.5 महीने ही बचेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल करना और कुछों को ड्रॉप कर देना ये भी एक ड्रामा ही है, और जिन लोगों ने अब लिए गए वो कौन से दूध के धोए हुए हैं, उन पर तरह तरह के आरोप हैं। और मंत्रिमंडल में जिस प्रकार से एकदम से चेंज किया गया, केवल इसलिए किया गया है कि सत्ता विरोधी लहर है, इसको कम किया जाए, परंतु ये कम नहीं होगी और इन बनने वाले मंत्रियों की भी कार्यकुशलता पर सवाल उठेंगे क्योंकि इनके पास समय ही नहीं। आपके व्यक्तिगत मित्र भी हैं, राजनीतिक मित्र भी हैं, अनिल विज। अनिल विज को भाजपा ने जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, इस पर आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या है? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, एक इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी, इतना अनुभवी आदमी जो इस सरकार में ले दे के एक व्यक्ति था जिसकी प्रशासन पे पकड़ थी, जो बेईमान लोगों को जिससे डरते थे, बेईमाना उसको पसंद नहीं था, उस व्यक्ति को जिसका इतना लंबा संघर्ष रहा हो, मैंने उसको विधानसभा में देखा है, कांग्रेस के लोग उसको अकेला बैठा देते थे और उसने इतना संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, सब कुछ त्याग दिया उसने और उस आदमी को इन्होंने स्थान नहीं दिया। मैं समझता हूँ हरियाणा प्रदेश के लिए भी बड़ी दुखद बात है। लोकसभा के चुनाव है, इनेलो कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्या अभी तक आपके पास नीतिगत कोई रोड मैप आया? 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेंगे, सब पे जीत दर्ज करेंगे, सारे पुराने साथी कार्यकर्ता मिलके हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। एक मुद्दा ऐसा है, सन 1987 में जब आप न्याय युद्ध चौधरी देवीलाल डॉक्टर मंगलसेन की जोड़ी में मैं आपको देखा करता था कि SOEL का, चंडीगढ़ का, अलग राजधानी का, अलग हाईकोर्ट का, ये मुद्दे आज भी वैसे खड़े हैं, यानी लगभग 4 दशक के बाद भी मुद्दे खड़े हैं, मुद्दों का हल नहीं निकल पाया, इसके लिए कसूरवार किसको मानते हैं? कुछ बदला नहीं, हमने तो बहुत लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में भी SOEL की लड़ी, रावी ब्यास के पानी की लड़ी, चंडीगढ़ की लड़ी और उसके बाद हमने फिर जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया, परंतु हम सतलुज यमुना लिंक नहर में पानी नहीं ला सके, हांसी बुटाना नहर सूखी पड़ी है, दादूपुर नलवी नहर इन्होंने बंद कर दी और इन्होंने ये कहा है कि हम आगे यमुना का पानी राजस्थान को देंगे बारिश के दिनों में। अगर बारिश के दिनों में पानी होता तो ये दादूपुर नलवी नहर क्यों ना चलाई गई होती, आज अलग से हाई कोर्ट नहीं बन सका, आज हमारी राजधानी नहीं बन सकी, कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ा और ये कहते हैं हमने व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, किस बात का किया वो जवाब दें। माजरा जी शुभकामनाएं, आपने प्रदेशाध्यक्ष इनेलो के रूप में अपनी पारी की शुरुआत की है और देखिए रामपाल माजरा जी अपने पुराने अतीत और पुराने राजनीतिक घटनाक्रम से जो चीज़ें इनको अनुभव के रूप में मिली हैं उन सब का फायदा उठाते हुए अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।